justice, we want justice, we want justice. Home Department, hi. Governor Saab, insaf karo. Governor Saab, insaf karo. Governor Saab, insaf karo. We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Home Department, hi. Home Department, hi. We want justice, we want justice, we want justice. आप हुसैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले मैं आपकी न्यूज़ चैनल का वेलकम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नर साहब को बार बार ये बात दोहराना चाहता हूं। सर, एक साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक साल से हम लोग आपको फैक्स भी कर रहे हैं, ना तो आपने हमारे कोई फैक्स का रिस्पॉन्स दिया, ना तो आपने हमें कोई मिलने का मौका दिया। नौकरी देना ना देना वो तो बाद की बात है। सर, हम उनसे ये दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने इतनी अपॉइंटमेंट ली गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से, ना तो गवर्नर साहब से कोई अपॉइंटमेंट मिली, ना तो एडवाइज़र साहब से कोई अपॉइंटमेंट मिली। हम SDRF के एस्पिरेंट है, जो 2012 में हमारे SDRF के फॉर्म गए थे, उस वक्त उन्होंने कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं की थी। और 2012 से लेकर 18 में उन्होंने हमारा फिजिकल करवाया, फिजिकल करने के एक महीने के बाद उन्होंने 355 पोस्ट मेंशन की, जबकि 2012 में कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं की थी। और 6 साल हमारे वेट किए, ये वेस्ट किए। हम गवर्नर साहब से एक अपील करते हैं कि सर, जो आपने 6 साल हमारे वेस्ट किए, उसमें जो लड़की ओवरेज की, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ होम डिपार्टमेंट है। और वो जो 2012 से लेकर 18 की पोस्ट हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ ओवरेज कैंडिडेट का हक बनता है। और हम उनसे ये कहना चाहते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सर, जो आपने हमारे 6 साल वेस्ट किए, वो हमें उन 6 सालों का हमें हमारा हक दो। ये जो यूथ पीछे खड़ा है, सारा का सारा ओवरेज हो चुका है, कश्मीर डिवीजन से भी है, जम्मू डिवीजन से भी है। और हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल करो। और हम गवर्नर साहब से आखिरी बार ये कहते हैं, सर, जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल करो। वी वांट जस्टिस।